सो हेलो इसकी फैमिली, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं बजाज पल्सर NS125 BA6 का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको इस बाइक को कम्प्लीटली दिखाने वाले हैं और क्या कुछ स्पेक्स आपको इस बाइक में देखने को मिलते हैं उसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बजाज कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या फिर उसे आप परचेस करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं बाबा बजाज के ऊपर, जो कि लोकेटेड है हमारे एरिया में ससराम रोहतास बिहार में। तो अगर आप यहाँ के अगल बगल के हैं तो यहाँ पर आप श्योर आ सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे सर्विस है, साथ में बजाज कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फ़ोन नंबर उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर इस शोरूम को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, रिव्यू को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इस बाइक के कलर ऑप्शंस के बारे में बता दूं। तो इस बाइक में आपको टोटल 4 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक है रेड, दूसरा है ब्लू, तीसरा है सिल्वर और चौथा है ऑरेंज। तो 2 कलर ऑप्शंस अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल है तो उसे आप देख लें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको छोटा सा वाइजर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको बजाज का लोगो देखने को मिलता है, नीचे आपको हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलते हैं और ये रहे इस बाइक के पायलट लैंप्स। बाकी यहाँ पर आप नंबर प्लेट अपने लगा सकते हैं। फ्रंट बडगार्ड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कार्बन फाइबर टेक्सचर देखने को मिलता है, जो कि इस बाइक को एक प्रीमियम टच देता है। फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। टायर सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो आपको 80/100 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है फ्रंट में। और ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं तो फ्रंट में आपको 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है विद कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। आप अलॉय का लुक थोड़ा सा देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव अलॉय व्हील दिया गया है। और साइड लुक भी आप लोग देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर ये बाइक दिखता है रोड पे ऊपर जब ये चलता है। तो ये रहा इस बाइक का लेगा। इंजन के बारे में बात करते हैं तो इस बाइक में आपको 124.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BA6 कॉम्प्लाइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिल जाता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 11.6 BHP का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 11 Nm का। बाकी इस बाइक में आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। ये रहा इस बाइक का साइड फुटरेस्ट, पीछे से कुछ इस टाइप का दिखता है यह बाइक। पीछे आपको टेल टाइडी देखने को मिल जाता है, जो कि इस बाइक को काफ़ी अच्छा मतलब कि स्पोर्टी लुक दे देता है। यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, ये रहा नंबर प्लेट लाइट। पीछे का ये रहा टायर हगर, जो कि आपको मड वगैरह से बचाएगा। रियर टायर के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है और पीछे आपको गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छे लेवल का कंफर्ट प्रोवाइड कर देता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं और काफ़ी शार्प इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि बाइक को काफ़ी अच्छा लुक दे देते हैं। यहाँ पर आपको NS125 का स्टिकर देखने को मिलता है। सीट के बारे में बात करते हैं तो आपको इसमें स्प्लिट सीट देखने को मिलता है, जिसका कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको पल्सर का काफ़ी अच्छा लोगो देखने को मिलता है 3D में। ग्राउंड क्लीयरेंस के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 180mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाता है। और ये रहा इस बाइक का इंजन काउल, जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प डिज़ाइन में दिया गया है। बाकी ये रहा कैटलिटिक कन्वर्टर और सिंगल हॉर्न इसमें आपको देखने को मिलता है। सीट हाइट के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 805mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। तो चलिए इस बाइक के मीटर को ऑन करके देख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से मतलब कि एनिमेशन बना हुआ आता है, ये जो नीडल है वो पूरा फुल स्वाइप करता है, जो कि काफ़ी अच्छा फील देता है। अगर आप एक एंथुजियास्ट है तो आपको नीडल वाला जो RPM है वो ज़्यादा पसंद आता है एज़ कम्पेरिजन टू डिजिटल वाला जो RPM आता है। मुझे भी पर्सनली ये वाला जो RPM मीटर है वो ज़्यादा पसंद है। साइड में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लो बैटरी इंडिकेटर देखने को मिलता है बजाज का, यहाँ पर आपको लोगो बना हुआ देखने को मिलता है। इंजन माल फंक्शनिंग लाइट देखने को मिलता है, अगर आपके बाइक के कोई भी सेंसर में प्रॉब्लम आती है तो ये जो लाइट है ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा इस बाइक का टैकोमीटर, 12,000 तक की मार्किंग दी गई है। और ये रहा इसका फ्यूल गॉस, यहाँ पर आपको फ्यूल शो होगा। इस साइड में बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है साइड स्टैंड, मतलब कि अभी जो बाइक का साइड स्टैंड है वो लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये साइड स्टैंड शो कर रही है। टाइम यहाँ पर आपको शो हो जा रहा है, ओडोमीटर, ये कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चल रही है। साइड में बात करते हैं तो यहाँ पर ओडो आप देख सकते हैं, ओडो लिखा हुआ है। बाकी यहाँ से टॉगल करते हैं तो आपको ट्रिप 1 और ट्रिप 2 फिर ओडो, तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे एरिया में जो है इस बाइक का आपको एक शोरूम प्राइस देखने को मिलता है 1 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स। ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये जो बाइक है आपको अप्रॉक्स आपको ऑन रोड 1,20,000 का देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए 125 सीसी सेगमेंट में जिसका लुक काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हो और आपको NS मतलब कि प्यार हो, NS 200 या फिर NS 260, लेकिन आप कुछ रीजंस के चलते उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप इस बाइक को श्योर ले सकते हैं, आपकी ये इच्छा पूरी तरह से पूरी कर देगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करते हैं और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, राइट हार्ट राइट सेफ।